क्योंकि जो शिव हैं वो हिंदुओं के अवतार हैं, वो वैदिक संस्कृति के मानने वाले हैं। तथागत भगवान बुद्ध की संस्कृति अलग संस्कृति है। तथागत भगवान बुद्ध ने आत्मा, परमात्मा, ईश्वरवाद सभी का खंडन किया है, जबकि जो शिव हैं उन्होंने ईश्वर को माना है, भाग्य को माना है, आत्मा को माना है। और जब आत्मा ही नहीं है तो कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, महात्मा कहते हैं, महात्मा कहते हैं उनको, तथागत भगवान बुद्ध को। मैं उनसे भी ये कहता हूँ कि जब भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, तो वो महात्मा कैसे बन गए, वो परमात्मा कैसे बन गए? कहा जाता है कि बुद्ध शिव के नवे अवतार थे, ये कहाँ तक सही है? मैं ऐसे न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि समय समय पर वो समाज की आवाज़ को उठाते रहते हैं, और मैं सभी को जय भीम नमोबधाय करता हूँ। अभी एक प्रश्न जो आपने किया है बड़ा हास्यास्पद प्रश्न है, इसको सुनकर के हंसी आ रही है कि शिव के नवे अवतार तथागत भगवान बुद्ध हैं। जो लोग इस तरह का गलत प्रचार करते हैं वो भगवान बुद्ध, तथागत भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि जो शिव हैं वो हिंदुओं के अवतार हैं, वो वैदिक संस्कृति के मानने वाले हैं। तथागत भगवान बुद्ध की संस्कृति अलग संस्कृति है। तथागत भगवान बुद्ध ने आत्मा, परमात्मा, ईश्वरवाद सभी का खंडन किया है, जबकि जो शिव हैं उन्होंने ईश्वर को माना है, भाग्य को माना है, आत्मा को माना है। और जब आत्मा ही नहीं है तो कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, महात्मा कहते हैं, महात्मा कहते हैं उनको, तथागत भगवान बुद्ध को। मैं उनसे भी ये कहता हूँ कि जब भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, तो वो महात्मा कैसे बन गए, वो परमात्मा कैसे बन गए? तो हो ही नहीं सकता। तो ये हिंदू वर्ग के जो लोग हैं, दूसरे वर्ग के और लोग हैं, वो तथागत भगवान बुद्ध को जो शिव का नवा अवतार बताते हैं वो बिल्कुल गलत है, निराधार है, क्योंकि भगवान बुद्ध की थ्योरी और शिव की थ्योरी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। शिव की थ्योरी हिंदू की थ्योरी है, वैदिक संस्कृति की थ्योरी है, जिसमें असमानता है, जिसमें वर्ण व्यवस्था है, जिसमें गरीब है, जिसमें छुआछात है, जिसमें जातिवाद है। तथागत भगवान बुद्ध की जो व्यवस्था है वो मानव कल्याणकारी है, समानता की है, उसमें कोई छोटा ऊँचा छोटा मोटा नहीं है, उसमें ऊँच नीच नहीं है, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, उसमें कोई जातिवादी नहीं है। केवल जो उनके मार्ग पर चलेगा, पंचशील का धारण करेगा, वही आदमी बुद्धिस्ट कहलाएगा, वही आदमी बुद्धिस्ट होगा, वह उनके कहने में चलेगा। ये तथागत भगवान बुद्ध की थ्योरी है। अंत में आपसे यही संक्षेप में कहना चाहूँगा कि ये कहना कि शिव के अवतार, नवे अवतार तथागत बुद्ध थे, ये एक हास्यप्रद क्वेश्चन प्रश्न है, और ये कहीं पर भी ऐतिहासिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या कानून की दृष्टि से कहीं भी ये सिद्ध नहीं होता। केवल जो लोग कहते हैं वो हिंदू धर्म को कम करने के लिए, हिंदू धर्म को ऊंचा उठाने के लिए या बरगलाने के लिए ये ऐसा विवाद पैदा करते हैं, ऐसी संभावना करते हैं कि जिससे बौद्ध धर्म समानता का रास्ता समाप्त हो जाए और जो हमारी वर्ण व्यवस्था है वो लागू रहे। धन्यवाद। जो लोग शिव को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, और जो पंडित उनको बोलते हैं कि पूजा करो, पाठ करो, वो सिर्फ उनको ठगना चाहते हैं, वो सिर्फ उनको भ्रम में डालते हैं। हमें ये सब नहीं करना चाहिए, बल्कि गौतम बुद्ध को अपनाना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं भगवान इंसानों के अंदर होता है, भगवान किसी की मदद करने नहीं आता, इंसान ही इंसानों के काम आता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।